आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको लेकर आए हैं मखाने के फायदे। मखाना न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि इसको खाने से आपको इतनी सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। स्वाद का स्वाद, पौष्टिकता की पौष्टिकता और बीमारियों से निजात पाने का एक उत्तम माध्यम है मखाना। मखाना एक ऐसा आहार है जिसे आप कहीं भी कभी भी स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो ये शरीर में कई बीमारियों को हटाने और काटने के साथ शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी भरपूर करता है। इतना ही नहीं, पाचन तंत्र से लेकर अगर जोड़ों के दर्द हैं तो उनको भी ये बिल्कुल ठीक कर देता है, सही रास्ते पर ला देता है। जोड़ों से कट कट की आने वाली आवाजें भी ठीक कर देता है। अगर चलने में भी दिक्कत है तो वो भी आपको ठीक हो जाएगी। पहले देखते हैं कि मखाने में आखिर पाया क्या क्या जाता है। दोस्तों, मखानों के तत्वों की अगर बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट मुख्य रूप से हमारे शरीर की त्वचा को निखारने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का कार्य करता है। इसके अलावा मखाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इन्हीं गुणों के कारण इसको सुपर फूड माना जाता है। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिनमें एक साथ इतने तत्व पाए जाते हैं। अब हम विस्तार से फायदे जानते हैं। जिन लोगों को दिल से जुड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। दरअसल मखाने में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बेहद कम होती है, इसलिए दिल से जुड़ी बीमारियों को दूर रखने में ये बेहद लाभदायक है। इसलिए आप आज से ही मखाने खाने शुरू कर दीजिए। इसके लिए आपको करना क्या है, आप तल कर भी मखाने खा सकते हैं, यानी कि रोस्ट करके आप मखाने खा सकते हैं घी में और ऊपर से काला नमक डालकर, और 8 से 10 मखाने आप ले सकते हैं। चाहे तो आप दूध में उबाल कर भी मखाने खा सकते हैं, मखाने की खीर भी बनाकर आप खा सकते हैं। बात करते हैं तनाव को दूर करने की। मखाना खाने से तनाव कम होता है और अच्छी नींद आती है। जिन लोगों को तनाव ज़्यादा रहता है वो मखाना खाना शुरू कर दें और उनको नींद भी अच्छी आएगी। उन्हें क्या करना है, सोते समय गर्म दूध के साथ 7-8 मखाने खाने चाहिए और मखानों को आप रोस्ट जरूर कर लीजिए थोड़े से घी में। बात करते हैं खून बढ़ाने में हेल्पफुल है। मखाना खून बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आयरन की मात्रा होती है। आयरन से शरीर में खून की कमी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। बात करते हैं वजन को कम करने की। मखाने में एथेनॉल नामक एक तत्व पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। मखाना कमल के बीज से प्राप्त होता है जो मोटापे को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। इसके लिए करना ये है कि आप रोजाना 10 से 15 मखाने खा सकते हैं और उसमें आप सुबह के समय इन मखानों का प्रयोग कर सकते हैं नाश्ते में। बात करते हैं मसूड़ों की सूजन में राहत की। मखाने में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। ये दोनों ही गुण मसूड़े संबंधित सूजन और बैक्टीरिया के प्रभाव के कारण होने वाली सड़न को रोकने में बहुत मददगार होते हैं। अब किस समय खाने चाहिए मखाने, आप देख लीजिए। रोजाना सुबह अगर खाली पेट आप 8 से 10 मखानों का सेवन करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। बाकी आपको दिन में जब भी टाइम मिले आप मखाना खा सकते हैं। आप दूध के साथ मखाने का सेवन कर सकते हैं, स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। मखाने को घी में रोस्ट करके हमने आपको बताया, नमक की तरह भी आप इनको ले सकते हैं। बात करते हैं पुरुषों के लिए फायदेमंद की। माना जाता है कि मखाना पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। ये मखाना पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होता है। आपको बता दें कि पुरुषों में होने वाले सभी शारीरिक बदलावों में इस हार्मोन की बड़ी भूमिका होती है। इस हार्मोन की कमी से पुरुषों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उनकी जिंदगी नरक तक हो जाती है और वो अपने आप को सोसाइटी में लज्जित महसूस करते हैं। तो आपको करना क्या है, मखाने खाने और अपनी सारी प्रॉब्लम का हल आपको मखाने में ही मिलेगा। ये था आयुर्वेद समाधान। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे और तरीके एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।